किस प्रकार से डिगेट चलता था, इनके व्हाट्सएप चैट वगैरह हमें कई सारे मिले हैं, कई लोग इसमें शामिल दिख रहे हैं और भी इसमें इन्वेस्टिगेशन बाकी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने बच्चों के खरीदी बिक्री करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल यशोदा नायक नामक महिला द्वारा फर्जी गोदनामा बनाते हुए बच्चों को 5 लाख रुपए में बिक्री करने के लिए अपनी साथी सुशीला नायक को इस आपराधिक कार्य में संलिप्त किया और उसे 3.5 लाख रुपए देने का प्रलोभन देकर बिक्री हेतु बच्चा ढूंढने कहा, जिसके बाद उन्होंने जिला दुर्ग निवासी एक गरीब परिवार से मिलकर उन्हें 1.5 लाख रुपए में अपने 4 माह के बच्चे को बड़े परिवार में गोद देने हेतु प्रलोभित किया, जिसके बाद बच्चे के पिता द्वारा अपना बच्चा 1.5 लाख रुपए में एक अनजान परिवार को अमीर मानते हुए उसे गोद देने के लिए बच्चे को लेकर गिरोह के साथ रायपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ग्राहक की खोज कर रहा था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक रतनलाल डागी के निर्देश पर थाना सिविल लाइन संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की। मामले में 3 दलालों के साथ 3 घर के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 1 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि धारा सिविल लाइन के अंतर्गत कलेक्ट्रेट में कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास कुछ लोग बच्चे के दोस्त को अविधिक रूप से सौदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर से चाइल्ड लाइन के और महिला बाल विकास की टीम पुलिस दबिश दिया गया था, जिसमें एक साहू व्यक्ति सामने आया था, जिसके तहत 2 और जो मीडिएटर थे उनका भी नाम इसमें आया है। तो इस प्रकार से टोटल 6 लोगों को इसमें अपराधी बनाया गया है। धारा 370-34 और किशोर न्याय अधिनियम 80-81 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और 6 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा है। अभी कई सारी बातें इसमें सामने आ रही है, कुछ लोग किस प्रकार से डिगेट चलता था, इनके व्हाट्सएप चैट वगैरह हमें कई सारे मिले हैं, कई लोग इसमें शामिल दिख रहे हैं और भी इसमें इन्वेस्टिगेशन बाकी है। आरंभिक रूप से इसमें अभी 6 आरोपी बनाए गए हैं, आगे भी चलते चलते खोज भी जारी है। अभी आपराधिक रिकॉर्ड इसमें खोजा जा रहा है, इसमें 2 अभी तक हमारे पास जो मीडिएटर मिले हैं और भी कुछ मीडिएटर के नाम आ रहे हैं। एक गिरोह टाइप ऐसा चल रहा था जिसका पर्दाफाश महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा किया गया है। आगामी पूछताछ जारी है, कुछ तथ्य सामने आए हैं, हमारी टीम इस पर लगी है।